उदयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के पास प्रताप नगर हाईवे पर अचानक चलते ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि मिनटों में ही ट्रक धूं धूं करके जलने लगा। अब तक मिली जानकारी में यह सामने आया है कि ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीन के साथ यह ट्रक चित्तौड़गढ़ से प्रताप नगर की तरफ आ रहा था, तभी ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप के सामने शॉर्ट सर्किट होने से इसमें आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर इसे बमुश्किल खड़ा कर पाया और ट्रक के बाहर निकल गया। कुछ ही देर में डीजल टैंक फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही ड्राइवर ने हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़ा कर दिया। ऐसे में हाईवे की एक तरफ का यातायात कुछ देर के लिए जाम लग गया। वहीं एहतियातन पास में मौजूद पेट्रोल पंप को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। घटना के कुछ देर बाद प्रताप नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। नगर निगम और हिंदुस्तान जिंक की दमकल भी मौके के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि प्रताप नगर थाना घटनास्थल से काफी करीब है। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।